तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेक मेमोरी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमसे बात करेंगे ना कि क्या दोस्तों BSNL के नंबर पर आपका इंटरनेट ऑन रहता है लेकिन तब भी आपका इंटरनेट चलता नहीं है। इस समस्या यदि आपके साथ आ रही है तो मैं इस प्रॉब्लम को लाइव आपको सलूशन बताने वाला हूँ कि इंटरनेट ऑन होने के बाद भी आपके फ़ोन में नेट नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना होगा। घर पे बहुत सारे बच्चे वगैरह होते हैं ना, वो लोग छेड़छाड़ कर देते हैं जिसकी वजह से समस्या आ जाती है। तो मैं लाइव सलूशन आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कैसे कैसे क्या करना है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ चलते हैं और समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। BSNL के नंबर पर हमारे साथ भी यह समस्या थी तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। आइए आपको बताते हैं आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन के अपने सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाता है आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दोबारा से दिखेगा BSNL मोबाइल करके, BSNL मोबाइल पर क्लिक करना है। BSNL मोबाइल पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम का, आपको एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ना यहाँ पर एक ऑप्शन अभी दिख जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ऐड आ रहा है, प्लस का ऑप्शन ऊपर या नीचे कहीं दिख जाएगा या तो ऐड न्यू APN का दिखेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद यह फॉर्म भरना है। सबसे पहले नेम पर क्लिक करना है, नेम में आपको लिखना है BSNL कैपिटल लेटर में लिख के ओके कर देना है। फिर नीचे एक सेटिंग दिखेगा APN का, APN में आपको लिखना है इंटरनेट लिख के ओके कर देंगे। प्रॉक्सी को छोड़ देना है, पोर्ट में लिखना है 8080 ओके कर देंगे। यूजर नेम को छोड़ देना, पासवर्ड को भी छोड़ देना। सर्वर में लिखना है www.google.com ओके कर देना है। लिख के MMSC को छोड़ देना, MMS प्रॉक्सी को, MMS पोर्ट को भी छोड़ देना है, MCC को भी, MNC को, ऑथेंटिकेशन टाइप को भी, APN टाइप को भी। APN प्रोटोकॉल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे IPv4 IPv6 तीसरे वाले को ले लेना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे क्लिक करके इसमें भी IPv4 IPv6 को ले लेना है आखिरी वाले को। ठीक है, जब उसको सिलेक्ट कर लेंगे IPv4 IPv6 दोनों में, उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन दिखता है BRR का, आप BRR पे क्लिक करिएगा और सभी पे ना यहाँ पे चेक मार्क आपको लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे जब सभी पे आप चेक मार्क कर देंगे ना तो यह प्रॉपर वर्क करती है। ठीक है, और किसी किसी फ़ोन में 3-4 ऑप्शन होता है तो 3-4 पे करिएगा, और जिसमें मतलब जितना ऑप्शन हो सब पे कर देना है, और करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे हमारे में इतने ऑप्शन आ रहे सभी पे कर दे रहे हैं, किसी किसी फ़ोन में 3-4 आता है 3-4 पे करिएगा, मतलब जितना ऑप्शन देखे सभी पे कर देना है। करने के बाद आपको क्या करना है, एक ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा ना किनारे पर तीन बिंदु का, या तो नीचे आपका मोर का ऑप्शन दिखेगा या तो कहीं ना कहीं आपको सेव का ऑप्शन दिख जाएगा। तो हम तीन बिंदु पर क्लिक करेंगे और सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वापस से बैक आना है और बैक आने के बाद दोबारा से यहाँ पर ना हमको यहाँ पर नीचे की तरफ आना और एक्सेस पॉइंट नेम पर ही जाना है, और इस बार इस BSNL वाला जो हम नया वाला बनाया है ना इस पर चेक मार्क कर देना है, फिर गोल वाले पर क्लिक करके नीला कर देना है। अब वापस से जैसे आप अपना इंटरनेट चालू करेंगे आपका BSNL का इंटरनेट चलने लगेगा, कहीं कोई समस्या आपके साथ नहीं होने वाली, बिल्कुल अच्छे से काम करने लगेगा। यदि इसके अलावा कोई दिक्कत होती है तो आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके चालू करिएगा, आपका इंटरनेट बिल्कुल सही हो जाएगा और चलने लगेगा। यदि फिर भी ना चले, स्विच ऑफ करने के बाद जब आप खोल रहे हैं फिर भी ना चले, तो आपके एरिया में इंटरनेट की समस्या या नेटवर्क की समस्या हो सकती है। तो वह दोस्तों मोबाइल में आपकी दिक्कत नहीं है, आपके एरिया के नेटवर्क में जो लगा है ना उसमें ही दिक्कत है। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।